नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो रेलवे में अपना करियर ढूंढ रहे थे। रेलवे में बहुत बड़ी ओपनिंग आई है, 1,30,000 वैकेंसी की ओपनिंग है और ये खास करके नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में वैकेंसी आई है। इसकी वेबसाइट पर टोटल डिटेल्स आप देखेंगे, हम इसकी मुख्य चीज़ों को आपको बता दें कि आप इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इसमें। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, इसको आप जरूर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये बहुत दिनों से अवेटेड वैकेंसी थी। टिकट काउंटर के लिए भी वैकेंसी है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट का है, कमर्शियल अप्रेंटिस का, स्टेशन मास्टर की भी ओपनिंग आ चुकी है। तो ये ऑनलाइन अप्लीकेशन 28 फरवरी से लेकर आप RRB के साइट पर आप इसको अप्लाई करेंगे 28 फरवरी 2019 से RRBCEN01/2019, इस पर आप इसको डिटेल्स देखेंगे। पारा मेडिकल ऑफिस स्टाफ की भी वैकेंसीज आई है, जिसमें नर्स, हेल्थ, मलेरिया डिपार्टमेंट के लिए है वैकेंसी। तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन 4 मार्च से है और इसको भी आप मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में भी वैकेंसी आई हुई है और ये भी 8 मार्च से आप अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 1 पोस्ट है जो लाइक ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड जो है ट्रैकमैन का, तो इसके लिए भी पोस्ट है। हमें उम्मीद है कि तकरीबन इसमें 70 से 80 लाख लोग मिनिमम अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग अप्लाई करेंगे। आप इसमें रेगुलर इसको पहले भर ले, भरने के बाद हमारे साथ में आप जुड़े रहिएगा। रेलवे से संबंधित टोटल जानकारी आपको देंगे कि रेलवे की तैयारी को आप कैसे घर बैठे बैठे इस परीक्षा को पास कर जाइएगा। रेलवे से जुड़े हुए तमाम जानकारी आपको हम बताएंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जो भी चीजें इसमें सिलेबस होगा, इंग्लिश तो नहीं रहता रेलवे में, सभी चीजों की पूरी डिटेल्स जानकारी देंगे। लेवल 1 पोस्ट जो होगा वो ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 जो ट्रैकमैन है, गेटमैन का भी पद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, ये सारी चीजों की पद है। तो 12 मार्च से आप इसको अप्लाई करेंगे। ये अभी वैकेंसी निकाल दी गई है क्योंकि बाद में नोटिफिकेशन आ सकता था इलेक्शन का, इसलिए अभी इसको डिक्टेट किया गया है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भी इस समय में है सारे बच्चों के लिए कि आप इसको अप्लाई जरूर से करिएगा। और इसमें लोअर एज और अपर एज के लिए आप इसके जो इंक्लूडिंग अपर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें, और इसके साइट को देखिएगा जरूर। बार बार हम बता रहे हैं कि प्रिस्क्राइब से साइट को देखेंगे तो इसमें ज्यादा आपको जानकारी मिल पाएगी। 7th पे कमीशन लागू है तो काफी अच्छी सैलरी है रेलवे की और इसमें ओपनिंग हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा ये फायदा होगा। और इसमें रिजर्वेशन भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इनको लिए भी, जनरल कास्ट वाले को भी रिजर्वेशन मिलेगा। ये अभी हाल में ही पार्लियामेंट से पारित हुआ था। तो ऑल कैंडिडेट्स जो है जो एक्सेप्ट कंसेशन कैटेगरी, उनको ₹500 का फी लगेगा इस एग्जाम के लिए में, और जो कैंडिडेट SC ST और बाकी कैटेगरी में है उनको ₹250 का फी लगेगा। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो होगा ये 28 फरवरी को हो रहा है, 28 फरवरी से ये ऑनलाइन हो जाएगा जो नॉन टेक्निकल वाला है वो। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है पैरामेडिकल का 4 मार्च से हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल वाला जो है 8 मार्च से हो जाएगा और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन लेवल 1 जो है वो 12 मार्च से होगा। इसके लिए आप RRB के साइट को खोल करके देखेंगे और उसमें पूरी जानकारी है। एक RRB जोन जो है अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर और गाजियाबाद, ये जानकारी इसमें दी हुई है, गुवाहाटी। तो ये सभी जानकारी इसके साइट पर है और हम इसको दिखा भी रहे हैं आपको। अलग अलग जो जानकारी है, कलकत्ता भी है इसमें, मालदा है, मुंबई है, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद है, शिवनगर है, तिरुवनंतपुरम है। तो इसकी सभी साइट भी आप देख रहे होंगे, साइट को खोलिएगा जिस जोन में आप भरना चाहते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को ही खोलिएगा क्योंकि रेलवे के बहुत से फर्जी वेबसाइट हैं। इस वेबसाइट पर आप देखेंगे ऑनलाइन चीजों को और इसके बाद इसके फोन नंबर भी दिए हुए हैं RRB के साइट पर, जो हम आपको साइट में दिखा रहे हैं पैरेलली, इसको भी आप देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि रेलवे में एक सीट आपको जरूर पक्का होना चाहिए और आपको जरूर
हो जाएगा, क्योंकि रेलवे के जो एग्जाम्स होंगे इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कोशिश करना है कि रेलवे की परीक्षा को जरूर से पास कर जाए। इसके फॉर्म भरने में बहुत सी सावधानी बरतनी होगी, इसको क्राइटेरिया वाइज देखिएगा। हम आज से वैकेंसी के बारे में बताएं, दूसरी वीडियो जो बताएंगे रेलवे के फॉर्म में किन चीजों की गलती नहीं करें उस पर आपको फोकस करना है, तो इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहिएगा, नई जानकारी के साथ में हम आएंगे आपसे मिलेंगे, और इसके लिए पूरी चीजें वीडियो बताएंगे, घर में बैठकर के आप परीक्षा पास कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।